कल के मैचेस को हम यहाँ पे जरूर डिस्कस करेंगे और कल के होने वाले मैचेस के ऊपर चाहेंगे कि जरा आपके सामने वो कार्ड आ जाए। जरा पहले जरा ये तो लाए ना कि जी कल के जो होने वाले मैचेस हैं उनमें स्क्वाड क्या क्या है, जरा पहले जरा स्क्वाड दिखाएं भाई। वेरी वेल वेस्ट इंडीज और यूएसए, मैच इज ओवर, वेस्ट इंडीज और यूएसए सुबह 5:30 बजे टकरा रहे हैं और ये हो रहा है। ये जनाब वेस्ट इंडीज का स्क्वाड आपके सामने है, चार्ल्स जबरदस्त फॉर्म में, शाय होप अगेन नंबर 4 पे मौजूद है, नंबर 4 पे ही आएंगे कल भी, निकोलस पूरन जिन्होंने धमाकेदार इनिंग्स खेली है पिछली 2 इनिंग्स में। क्या लग रहा है जी यूएसए डेफिनेटली मैं जाऊंगा वेस्ट इंडीज के ऊपर, और सिर्फ मुझे ये कंसर्न है कि ब्रेंडन किंग की इंजरी के क्या अपडेट है, क्योंकि वो बहुत अच्छी फॉर्म में है, बहुत अच्छा पावर प्ले यूटिलाइज कर रहे हैं, और रोमारियो शेफर्ड की जगह मुझे ऐसा लगता है कि इनको ओबेद मकोय को खिलाना चाहिए क्योंकि इनकी टीम में एक वाहिद वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है जो कि बड़ी अच्छी पेस के साथ बॉल करता है, उस कंडीशन में बहुत जबरदस्त बॉलिंग करता है। भाई ये कहां मैच हो रहा है ये वाला? ये मैच मुझे कंफर्म नहीं है कहां हो रहा है, ये सुबह बारबेडोस में, बारबेडोस में हो रहा है, तो और डे नाइट मैच, आई थिंक नाइट मैच है, या नाइट मैच, हां तो फिर डेफिनेटली इनको ओबेद मकोय को बारबेडोस में, या किंग्सन ओवल ब्रिजटाउन बारबेडोस में, और अमेरिकन है, मजाल है जो स्क्वाड में कोई तब्दीली करनी हो वो वही नेत्रावालकर और वही फास्ट बॉलर के ऑप्शन इतने कुछ खास है नहीं। कल एक और मैच जनाब शाम 6:30 इंडिया प्रदेश के माबेन खेला जाएगा सर विविन रिचर्ड स्टेडियम एंटीगुआ में, तो क्या लग रहा है अगले पिछला मैच यही खेली जी? जी एंटीगुआ में खेले पिछला मैच, तो एंटीगुआ में जी जवेरिया क्या लग रहा है? थिंक ऑल द वे इंडिया जो एक्सपीरियंस इनके पास, बांग्लादेश अनलकी रहा कल, अच्छा भला मैच निकाल गए थे, बारिश ने उनसे मतलब वो बहुत अच्छी पोजीशन में थे उस वक्त, सौरन और बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच थी उनके बैटर्स की, तो वो वे बिहाइंड थे 28 रन पर डीएलएस से मार, दे वर्क हार्ड वेरी वेल इन द बैटिंग, फंसा हुआ मैच फंसा हुआ था, लेकिन 28 रन का जब डीएलएस का मार्जिन होता है मींस के बैटिंग साइड में हेड और वार्नर ने तो मैच ही साइड पे लगा दिया, दोनों की क्वालिटी यही है कि जब वो खड़े होते हैं तो फिर जो भी टारगेट हो वो चेस कर लेते हैं, तो आई फील कल का मैच में इट शुड बी इंडिया क्योंकि जो एक्सपीरियंस है और वो विकेट पे वो खेलने की एक्सपीरियंस अब रखता है, और बांग्लादेश अपनी कंडीशन में ज्यादा अच्छा होता है, कल थोड़ा स्लो की कंडीशन तो उसको बेहतर होगा, बाकी वेस्ट इंडीज और उसमें से वेस्ट इंडीज शुड बी अल्हम्दुलिल्लाह जब से फर्स्ट राउंड खत्म हुआ है उस तब से अपसेट्स का सिलसिला क्या है।